सुप्रभात। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वीरभद्र आसन प्रकार द्वितीय लेकर। इसको इंग्लिश में हम वॉरियर टू भी कहते हैं तथा इसको हम 12 अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो देखिए, वीरभद्र आसन द्वितीय करने के लिए सर्वप्रथम आपको थोड़ा सा खुद की बॉडी को वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करने से आपको अच्छा ये वीरभद्र आसन आप अच्छी प्रकार कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम सीधे इस प्रकार खड़े हो जाइए। धीरे धीरे सांस को आपने लेते रहना है। धीरे धीरे सांस अंदर लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें तथा हरेक स्टेप में वीरभद्र आसन के हरेक स्टेप में सांस आपको धीरे धीरे लेते रहना है और धीरे धीरे छोड़ते रहना है। तो वीरभद्र आसन द्वितीय करने के लिए स्टेप वन में आप दाहिने पैर को बाहिने पैर से लगभग 4-4.5 फीट की दूरी पर इधर की तरफ फैलाएंगे। वीरभद्र आसन स्टेप वन इस प्रकार। ये दोनों टांगों के बीच की दूरी हाइट के अनुसार बदल भी सकती है। किसी की हाइट ज्यादा है तो वो ज्यादा दूरी भी रख सकता है। ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा दोनों टांगों पर खिंचाव ना हो। ओके, धीरे धीरे सांस लेते रहें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। स्टेप सेकंड में आपको अपने दाहिने पैर के पंजे को एड़ी के बल सामने की स्थिति से 90 डिग्री के कोण पर घुमाना है। स्टेप टू, धीरे धीरे इस प्रकार। स्टेप थ्री में अपने बाहिने पैर के पंजे को सामने की स्थिति से 60 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे। स्टेप थ्री। स्टेप फोर में आपको इस वाली जंगा को आगे की तरफ झुकाना है। स्टेप फोर, धीरे धीरे सांस लेना ना भूलें, बिल्कुल धीरे धीरे करें तथा आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जंगा जो है इस वाली उससे पैर से 90 डिग्री के कोण पर रहे। पिछला पैर इस प्रकार सीधा रहेगा इस प्रकार। स्टेप फाइव में धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से उठाएंगे। स्टेप फाइव। अब स्टेप सिक्स में अपनी गर्दन को जिधर आपने हाथ करें सामने की स्थिति से समकोण पर ले जाएं। स्टेप सिक्स इस प्रकार। इस प्रकार की स्थिति में आप लगभग 1 मिनट रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति में लगभग 1 मिनट खुद को रोकिए, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रकार लगभग 1 मिनट बाद आप अपने धीरे धीरे गर्दन को मोड़ेंगे सामने की तरफ। स्टेप सेवन इस प्रकार। स्टेप एट में धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आइए। स्टेप एट। स्टेप नाइन में धीरे धीरे अपने इस वाले पैर को सीधा करिए। स्टेप नाइन। स्टेप टेन में इस वाले पैर को सीधा करेंगे। स्टेप टेन। स्टेप इलेवन में दाहिने पैर को सीधा करना है। स्टेप 11। स्टेप 12 में धीरे धीरे अपने पैर को बाहिने पैर के पास ले जाएंगे। इस प्रकार स्टेप 12 स्टेप्स में हमने एक तरफ ये वीरभद्र आसन द्वितीय करना है। अब देखिए, दूसरी तरफ हम इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स। अपना सीना आगे की तरफ निकालें, धीरे धीरे सांस लेते रहें। स्टेप सिक्स। उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को सामने की तरफ लेकर आएं। स्टेप सेवन, हाथों को नीचे। स्टेप एट, उन्हें सीधा करें इस पैर को। स्टेप नाइन, उसके बाद इस वाले पैर को सीधी स्थिति में लेकर आएं। स्टेप टेन, इसके बाद बाहिने पैर को सीधा करें। स्टेप इलेवन। स्टेप ट्वेल्व में दोबारा से बाहिने पैर को दाहिने पैर के पास में लेकर आएं। स्टेप ट्वेल्व। इस प्रकार मित्रों, इस आसन को आप अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को अभ्यास करने से आपकी जंघाओं की मांसपेशियां ताकतवर होती हैं, जिससे आप और दूसरे आसनों को कर सकते हैं और उनमें सहायता प्राप्त होती है तथा जब हम ये अपने दोनों हाथों के
इनको बाजुओं को फैलाते हैं तो इससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं तथा हमारा जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है। इस प्रकार आप वीरभद्र आसन द्वितीय कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो वीरभद्र आसन प्रथम पर भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप देख के वीरभद्र आसन प्रथम का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही मित्रों, आसन करिए और स्वस्थ रहिए, और मेरी मनोकामना है कि आप सभी स्वस्थ रह के आसनों का और योगासनों का अभ्यास करेंगे जिससे आपका जीवन उत्तम हो सके। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।